पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर किसान पद यात्रा अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में की गई, जो क्षेत्र के कत्तालपुर, सिपारपट्टी, भटपुरवा, सिखौना, सेनपुर, मेहरूपुर, सूखीपुर, खालिसपुर, बनवारी पट्टी, वैशपुर, बसैया आदि गांव से होते हुए थिरई पट्टी गन्ना सेंटर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान किसानों द्वारा किसान की आय बढ़ाओ, खेती किसानी बचाओ, चीनी मिल चालू करो, काला कानून वापस लो, किसान उत्पीड़न बंद करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है आदि के नारे लगा रहे थे। इस दौरान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि किसान के सम्मान में सपा समाजवादी पार्टी मैदान में है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर संसद में राज्यसभा में भाजपा नेताओं से जब किसान बिल के बारे में बात की गई, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसान का हित नहीं होने दिया जाएगा। आज किसान रोड पर है। मुलायम सिंह ने कहा था कि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सपा सरकार में चीनी मिल, नहरों की सफाई तथा किसानों के हित के लगातार कार्य किए जा रहे थे। आज भाजपा बिना किसानों को विश्वास में लिए पूर्ण बहुमत के अहंकार में सभी फैसले एक तरफा ले रही है। कोई भी बात किसान की सुनने को तैयार नहीं है। अब सपाई किसानों के बीच जाकर लोगों को बताएंगे कि भाजपा केवल पूंजीपतियों की सरकार है। अगर किसान बिल वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में सपा बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। यह पदयात्रा लगातार चलती रहेगी। देखिए, आप पहले भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने विगत कुछ महीने पहले बूढ़नपुर तहसील पर जा करके सरकार को चेतावनी देने का काम किया था कि जो आप संसद में और राज्यसभा में कृषि अध्यादेश बिल ला रहे हैं, इससे किसानों का बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है और किसानों में भारी आक्रोश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके प्रवक्ताओं ने और मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि नहीं, हम किसानों का नुकसान नहीं चाहेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से पूरे देश का किसान आज आंदोलित है। किसान अपने पूरे परिवार के सहित देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बैठा है, लगातार आंदोलन कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे और बहुत से लोग, अगर हम कहीं भगवान का स्वरूप देखते हैं तो हम किसानों के अंदर देखते हैं। किसान भारत की आत्मा है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसानों की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होके गुजरता है। हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर किसान खुशहाल होगा तो व्यापार खुशहाल होगा, और बिना किसान के खुशहाल हुए देश तरक्की नहीं कर सकता है। माननीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के हित में लगातार कई योजनाएं चलाने का काम किया, चाहे वो किसान दुर्घटना को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करना हुआ, चाहे किसान के गन्ना, आप देखें आजमगढ़ जो है कृषि प्रधान जनपद है, यहाँ की चीनी मिल किस हालात में थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी से जब अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्काल सठियाओं की चीनी मिल को चालू करा करके किसानों के हित में बड़ा फैसला लेने का काम किया। समय पर नहरों का पानी, पहली बार आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में नहरों का पानी फ्री किया गया, लेवी लगा करके धान खरीदा गया, गेहूँ खरीदा गया। लेकिन आप सब हमारे पत्रकार बंधु से लेकर यहाँ बड़ी तादाद पर किसान आए हैं आसपास के गाँव के, आज जिस बदहाली में किसान और नौजवान हैं वो देख करके और लोगों के अंदर जो आक्रोश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज सत्ता के दम में बहुमत के आधार पर वो फैसला ले रही है, किसानों को विश्वास में नहीं ले रही। हम कहते हैं कि अगर वो दिल्ली में किसान चल ही गए थे तो आप उनसे वार्ता करते, लेकिन उनके साथ किसानों के साथ आतंकी जैसा व्यवहार सरकार ने किया। इस कड़ाके की ठंड में किसानों के ऊपर पानी का बौछार
चलाया, किसानों की लाठी चार्ज किया। आज देश में जितने लोग आपके अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारे जितने बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी थे, उन्होंने किसानों के सम्मान में अपना वो पुरस्कार सरकार को वापस कर दिया। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आज कन्नौज में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमारा कल का भी 8 तारीख का बंद का आह्वान है किसानों के, और आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन अब गांव-गांव जाएगा। हम कोई एक दिन आंदोलन करके उसको ख़त्म करने वाले नहीं हैं। हम लगातार अब किसानों के बीच जाएंगे और किसानों से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूंजीपति समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा संपत्ति अडानी की बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा संपत्ति अंबानी की बढ़ रही है, और किसान बदहाली पे अपना जीवन गुजर कर रहा है। एक तरफ कोरोना का भय पैदा किया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे किसानों के अधिकारों को, उनके बच्चों को स्कूल पठन पाठन के बारे में सरकार गंभीर नहीं है। हम जहाँ पर खड़े हैं, एक खरेई पट्टी गांव है, यहाँ पर कांटा लगा हुआ है। अभी अब आप ये किसानों से संपर्क करेंगे तो हफ्ते भर से टाली खड़ी है, कोई एक भी गन्ना तौल नहीं हुई है। लेकिन जब टेलीविज़न खोला जाता है तो उस पर किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और जब यथार्थ में आप जाएंगे तो आप खुद देखिए, पड़ताल करिए कि आज यहाँ किसान अपना ट्रैक्टर टाली खड़ा किया है, उसके गन्ने की तौल नहीं हो पाई है, और सरकार कह रही चीनी मिल में टेक्निकल खराबी। अगर वो टेक्निकल खराबी आप कब तक दूर करेंगे? किसान अपनी पेड़ी बेच लिया होता तो उसमें गेहूँ पैदा करता। लेकिन हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार निर्देश है कि वो लगातार हम गांव में जाएंगे, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। आज सीमित सूचना पर इतनी बड़ी तादाद में किसान आए हैं, पूरी पार्टी हमारा अहरौला में अंदर, भूड़नपुर के अंदर, तहसील गांव-गांव में हम किसानों को जागरूक करेंगे, और ये इतना बड़ा हम जन समर्थन खड़ा करेंगे कि आप देखे होंगे समर्थन के आगे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमारी पार्टी जहाँ बैलेट से चुनाव हुआ श्री लाल बहादुरी यादव, जहाँ शिक्षक का चुनाव जीते वहीं पर हमारा नौजवान साथी सिन्हा अमित सिन्हा वो ग्रेजुएट का चुनाव जीता है बनारस में, जिसको कोटो बनाने की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर विभाजन की बात करते हैं, वही का युवा, वही का ग्रेजुएट पढ़ा लिखा बनारस के अंदर, उसने रास्ता दिया। अगर कोई दूसरी जात का जीता, लेकिन देखिए सिन्हा बिरादरी का जीता, सारे जाति धर्म का समर्थन वहाँ पर मिला, इलाहाबाद के अंदर समर्थन मिला, हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में व्यापक समर्थन मिल रहा है। और किसान चाहता था, नौजवान चाहता था कि हम सड़कों पर उतर करके व्यापक प्रदर्शन करें और सरकार को चेताने का काम करें। तो आज चूंकि शादी ब्याह का ये दौर चल रहा है, हमारा किसान खेतों में व्यस्त है, हमारा किसान अपनी चिंता में लगातार, उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, और सरकार का इस तरह से जो रवैया है उससे दुखी है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम इतना बड़ा व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे कि सरकार की नींद हराम हो जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।